अल्लाकम एवरी वन कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे आप देख रहे हैं कि सख्त तेज़ धूप है और गर्मी शदीद है लेकिन मेरे कुछ काम थे ज़रूरी जिसके लिए मैंने निकलना था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये चीज़ें दिखाई जाएँ क्योंकि मैंने अपना एक शॉट डाला था ओल्ड सोफ़ा को न्यू करने का तो वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया तो मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखाया जाए कि मैंने सोफ़ा कहाँ से बनवाया है और आप अपने घर की पुरानी चीज़ों को नया कैसे कर सकते हैं और शीद इस वक्त गर्मी है और पसीने हैं कि आप लोग को बिल्कुल ठहरते नहीं हैं तो आइए चले आप मेरे साथ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप लोग अपना सोफ़ा पुराने सोफ़े को नया कैसे कर सकते हैं कोई भी फर्नीचर हो बेड हो सोफ़ा हो आ, हर इंसान का दिल करता है कि थोड़े अर से डिज़ाइन चेंज किया जाए और आपको पता है कि आजकल नई चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं तो आप मेरे साथ चलिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सोफ़ा अपना किस तरह का बनवा रही हूँ और आ, किस शॉप से बनवाया है तो आप मेरे साथ चलिए आज मैं आपको सारा दिखाती हूँ तो जी ये मैं सोफ़े वाली शॉप पे पहुंच चुकी हूँ ये नाम आप लोग देख रहे हैं अटक में ये शॉप है ऊपर इनका कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है इस शॉप पे मैं गई हूँ यहाँ मैंने सारी इनसे बात कर ली है कि मैंने अपना पहले का सोफ़ा है मैंने उसका कपड़ा और फोम वगैरह सब चेंज कराना है और मैं चाहती हूँ कि उसका डिज़ाइन भी चेंज कर दिया जाए थोड़ा सा थोड़ी सी डिफरेंट लुक आ जाए तो मैंने इनसे सारी बात कर ली है लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग को शॉप भी दिखा दूं क्योंकि अक्सर लोग फिर पूछते हैं जो अटक में रहते हैं कि आपने कहाँ से बनवाया प्राइजेस पूछते हैं तो मैं प्राइस भी आपको बताऊंगी बेसिकली हम लोगों ने दो सोफ़े यहाँ से बनवाए हैं दोनों पुराने दे के पुराने ही सोफ़ों को उन्हीं को हमने रीन्यू किया है तो पहले मैं आपको पहले वाला दिखाती हूँ कि उसकी पहले न, बनने से पहले लुक कैसी थी ये जी पुराना सोफ़ा है ये लकड़ी वाले सोफ़े आपको पता है हर घर में मौजूद होते हैं ये कुछ साल पहले बहुत इनका फ़ैशन था अब ये आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं लेकिन ये होता है कि ये एक मजबूत सोफ़ा होता है तो हमने इनको ये सोफ़ा दिया है और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद सोफ़ा कैसा है तो ये देखें जी ये सोफ़ा बन के ऐसा हो गया है हमने इन्होंने फोम कपड़ा ईच एंड एवरी थिंग इसका नया लगाया है और हमने ख़ुद ये कलर पसंद किया था और इन्होंने हमसे इसके लिए हैं जी नाइनटीन थाउजेंड प्राइजेज़ भी मैं बता रही हूँ क्योंकि लोग फिर बाद में पूछते हैं कि कितने का बना नाइनटीन थाउज़ेंड में ये हमने सोफ़ा तैयार करवाया है पुराने सोफ़े को हमने बिल्कुल नया कर लिया है और बिल्कुल एक मॉडर्न लुक आ गई और आप देख रहे हैं कि पहले कैसा था और बन के दूसरा कैसा तैयार हुआ है तो ये तो हो गया जी फाइव सीटर ये एक सोफ़ा था ये मेरी अम्मी के घर का था उन लोगों ने ये चेंज करवाया है और फिर उनका इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत सफ़ाई का इनका काम था ये जो भाई हैं जिनकी ये शॉप है ऊपर आपने पीछे नाम तो देख लिया है उनकी दुकान का तो मैंने फिर अपना सोचा कि मैं अपने सोफ़ा मेरा भी पुराना हुआ हुआ है ये मेरा सोफ़ा है ये सेवन सीटर है ये मेरे ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है और मैंने इसको इसका सोचा था पहले कि मैं इसको वॉश करवाऊँ लेकिन वॉश वाले भी अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं तो फिर मैंने सोचा जब मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा कि मैं भी इसको करवाती हूँ और मैंने उनसे भाई से बात कर ली कपड़ा पसंद कर लिया कपड़े की भी साथ ही शॉप है वेलवेट की वो आप जो कपड़ा कहेंगे वो लगा देते हैं और अब ये लोग आए हैं मेरे घर पे और आके सोफ़ा उठा के ले गए हैं और बना के मुझे उन्होंने पिक्चर्स भी भेज दी थी डिज़ाइंस भी दिखा दिए थे होता थोड़ा पर रिस्क है आपको नहीं पता होता कि वो चीज़ बन के कैसी आएगी लेकिन अब ये लोग आए हैं और ये सोफ़ा लेके जा रहे हैं और इन्होंने मुझे कहा है कि दो दिन में ये लोग मुझे सोफ़ा तैयार करके दे देंगे तो अब आप थोड़ी देर बाद देखना वीडियो के एंड में कि ये सोफ़ा बन के कैसा लगता है तो जी ये सोफ़ा मेरा बन गया है मैंने आपको दिखाया है कि वो मेरे घर से लेके गए और उसकी थोड़ी सी मेकिंग की भी उन्होंने वीडियो मुझे भेज दी थी तो ये बन के ऐसा हुआ है ये अब आप लोग देख रहे हैं पहले का भी देख लें कि उस कलर मैंने चेंज नहीं करवाया मतलब कपड़ा वगैरह सब चेंज हो गया कलर मैंने वही रखा क्योंकि मुझे कारपेट के साथ यही कलर सूट करता था लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह एक पुरानी चीज़ को दोबारा से नया कर सकते हैं इन्होंने इसका फोम इसका वेलवेट और ये मोटिव मैंने लगवाया सारी चीज़ें बिल्कुल नई इन्होंने कर दी हैं और सोफ़ा मेरा बिल्कुल नया हो गया है तो मैं आपको लास्ट में बिफोर एंड आफ्टर भी दिखा दूंगी दोनों का तो जिसने उन्होंने शुरू में इतनी तवज्जो नहीं दी वो वो एंड में दोबारा देख लेंगे और ये उन्होंने मेरे से मांगे थे ऑलमोस्ट ट्वेंटी फ़ोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मांगा था।, था।, था लेकिन मैंने उनको ट्वेंटी थ्री था। थाउजेंड दिया है और ये मेरा सोफ़ा सेवन सीटर था इसलिए इसके पैसे थोड़े ज़्यादा थे वो ग्रे वाला फ़ाइव सीटर था तो ये देखें आप लोग ये बन के ऐसा सोफ़ा हो गया है अब एंड में मैं दोबारा बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है और आप लोगों की ये बहुत काम आएगी और आप लोग भी इस तरह अपने घर की पुरानी चीज़ों को नया कर सकते हैं इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक किया करें क्योंकि उससे ये होता है कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो मुझे दोआव में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा मिल मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़